हेलो फ्रेंड्स माय नेम ने लोकेंद्र सिंह यू आर वाचिंग मी ऑन मीन साफ अकेडमी यूट्यूब चैनल आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो अबाउट टू के यूज पर ही बनाई है अबाउट टू की हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं लेकिन ये वीडियो मैं थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया है उसको थोड़ा सा अलग किया है तो आज हम अबाउट टू के प्रयोग आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में एक ही साथ में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आज फ्रेंड्स हम ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें सेंटेंस में वाला वाले के साथ में उसको एम्फेसाइज कर दिया गया है मीन्स पर जोर दिया है तो उसकी जो पहचान बनेगी वो बनेगी मुख्य क्रिया के बाद में वाला ही है पास्ट है तो वाला ही था और फ्यूचर है तो वाला ही होगा पहले सेंटेंस में सिर्फ क्या था वाला है वाला था वाला होगा लेकिन इसमें क्या है वाला ही है वाला ही था वाला ही होगा तो ही वर्ड लगाने से इस सेंटेंस में प्रेशर हो गया है एम्फेसाइज हो गया है तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चर को समझते हैं ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में उसके बाद प्रेजेंट के लिए हम ए एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि पहले भी हमने ए एम आर का ही प्रयोग बताया था अबाउट टू के साथ बेसिक में भी और एडवांस सेंटेंस में भी यहाँ पर भी पास्ट में हमें वाजबर का यूज करना है और फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी का प्रयोग करना है अब यहाँ पर जो ही वर्ड आ रहा है जिसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है उस क्रिया को करने के लिए यानी कि बिल्कुल रिसेंटली होने ही वाला है उसके लिए हमें यहाँ पर जस्ट वर्ड को लिख देना है और जस्ट के बाद में फिर से अबाउट टू लगेगा वी वन लगेगा अदर वर्ड्स लगेगा ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं लेकिन स्पोकन में वो सेंटेंस थोड़ा और लगता है इसलिए हम यहाँ पर उसको नेगेटिव में नहीं बता रहे हैं जैसे कि हम जान लेते हैं मैं एक सेंटेंस बोलता हूं जैसे मैंने कहा मेरा भाई दिल्ली पहुंचने ही वाला है तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि वाला ही है वर्ड आ रहा है अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से माय ब्रदर इज जस्ट अबाउट टू रीच डली इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो काफी ओड सा लगेगा बोलने में भी और सुनने में भी अगर मैं ऐसे बोलूं मेरा भाई दिल्ली नहीं पहुंचने वाला ही है तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस हो रहा है जिससे पता नहीं चल रहा है कि नहीं भी आ रहा है ही भी आ रहा है कि उसे पहुँचने के लिए बोल रहा है कि ना पहुँचने के लिए बोल रहा है तो ऐसा सेंटेंस स्पोकन में खास यूज नहीं होता है या ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं लेकिन इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा इंट्रोगेटिव में हम पूछ रहे हैं क्या वह आने ही वाला है क्या बिजली जाने ही वाली है क्या तुम्हारा भाई उससे बात करने ही वाला है क्या उसे नौकरी मिलने ही वाली है तो यहां पर हमने ही वर्ड का प्रयोग किया है क्या के साथ में तो उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एज एम आर पास्ट है तो वाजवर और फ्यूचर है तो विल बी उसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा फ्यूचर में हमको क्या करना है फ्रेंड्स ध्यान रखें कि फ्यूचर में हम सिर्फ विल लिखेंगे उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद में बी लिखेंगे और अगर फ्यूचर नहीं है तो प्रेजेंट है तो एज एम आर लिखेंगे पास्ट है तो वाजबा लिखेंगे फिर सीधे सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसके बाद में जस्ट वर्ड आएगा उसके बाद में अबाउट टू आएगा फिर वी वन आएगा अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे बिजली जाने ही वाली है पास्ट में बनेगा बिजली जाने ही वाली थी फ्यूचर बनेगा बिजली जाने ही वाली होगी तो यहां पर जो ही वर्ड है वो सेंटेंस में इंफेसाइज कर रहा है जोर दे रहा है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने सेंटेंस को बनाया द पावर इज जस्ट अबाउट टू गो पास्ट बनेगा द पावर वॉज जस्ट अबाउट टू गो फ्यूचर में बनेगा द पावर विल बी जस्ट अबाउट टू गो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे जैसे हमने कहा क्या बिजली जाने ही वाली है तो कैसे बनेगा? इज द पावर जस्ट अबाउट टू गो क्या बिजली जाने ही वाली थी वॉज द पावर जस्ट अबाउट टू गो फ्यूचर में बनेगा क्या बिजली जाने ही वाली होगी विल द पावर बी जस्ट अबाउट टू गो ऐसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमने दो स्ट्रक्चर ही लिखा है एक पॉजिटिव जिसमें हम किसी सकारात्मक इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं कि ऐसा होने ही वाला है दूसरा इसका इंट्रोगेटिव हम पूछ रहे हैं क्या ऐसा होने ही वाला है तो दोनों केस को हमने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी लिखा गया है तो प्लीज़ इसको आप जस्ट वर्ड के साथ में यूज कीजिएगा और आपने अगर भी अबाउट की पुरानी वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके के वहाँ से पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू